वैलेंटाइन डे वीक का सबसे अहम और रोमांटिक दिन माना जाता है। पहले इस दिन को सिर्फ प्यार करने वाले कपल ही मनाते थे, लेकिन आजकल माता पिता और बच्चे भी इस दिन को मनाते हैं। किस डे वैलेंटाइन डे वीक का आखिरी दिन नहीं होता। आज मैं आपको किस डे के बारे में बताऊंगी। किस डे वैलेंटाइन डे वीक का छठा दिन होता है। इसके बाद हग डे और फिर वैलेंटाइन डे आता है। यह हर साल 12 फरवरी के दिन मनाया जाता है। किस डे वैलेंटाइन डे सप्ताह का सबसे रोमांटिक दिन माना जाता है। यह दिन खास तौर पर प्यार करने वाले प्रेमी और प्रेमिका के लिए अहम माना जाता है। इस दिन प्यार करने वाले प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे को बड़े ही प्यार से किस करते हैं और एक दूसरे के प्रति अपना अटूट प्यार जाहिर करते हैं। इस दिन को सबसे ज्यादा अमेरिका में मनाया जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे यह बाकी सभी देशों में भी मनाया जाने लगा है। किस डे ज्यादातर युवा और प्यार करने वाले जोड़ों द्वारा मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किस करने से आपका प्यार पहले से ज्यादा बढ़ जाता है। इस दिन को युवा अपने प्यार को जाहिर करने के लिए एक दूसरे को किस करते हैं। एक किस आपके प्यार और एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है। आपके द्वारा किए गए एक मिनट के किस के दौरान आपके शरीर को 4-5 कैलोरी मिलती हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाएं रिश्ते में किस को ज्यादा अहमियत देती हैं। यह उत्सव आपके रिश्ते में एक नया जुनून भर देता है। वैलेंटाइन डे सप्ताह को और भी ज्यादा खूबसूरत और रोमांटिक बनाने के लिए इस दिन की शुरुआत की गई थी। इस दिन लोग अपने जोड़ीदार को रोमांटिक डिनर पर ले जाते हैं। इस दौरान लोगों द्वारा किस डे मनाया जाता है। ये थी एसएम न्यूज की रिपोर्ट।